जिस तरह से सारे राजनीतिक दल जो 21% वोट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यूपी का जी, दलित समाज उस पर निगाहें लगी हुई है 2017 के चुनाव के लिए, और उसी प्रेम के तहत जो है प्रधानमंत्री जी भी रविदास के मंदिर में आ रहे हैं, उसी प्रेम के तहत क्योंकि आप पार्टी भी उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव लड़ना चाहती, केजरीवाल साहब भी जा रहे हैं और मायावती जी अपना वोट बैंक को बचाने के लिए। देखिए 2014 के लोकसभा के चुनाव पे दलित जो है बहुत उनके पाले से खिसक के जो है बीजेपी में चला गया था, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में बहुत सा दलित जो है वो उनका साथ छोड़ के बीजेपी में चला गया था। बीजेपी पूरी कवायद ये कर रही है कि जो दलित हमारे साथ 2014 में आया था उसको रिटेन करें और वो वापस ना चला जाए मायावती के पास। तो जो उनकी कवायद रिटेन करने की है, मायावती की कवायद रिगेन करने की है कि जो चला गया उसको वापस लाओ और किसी तरीके से अपना वोट बैंक बचाए रखो। और जो केजरीवाल साहब है वो तो उत्तर प्रदेश में अपनी एक प्रेजेंस बनाना चाहते हैं इसलिए वो वहां पर आ रहे हैं। और अक्षय जी साथ में कांग्रेस का आपने चर्चा नहीं करी, कांग्रेस भी जो है वो दलित समाज के लिए अपना मीटिंग और कॉन्फ्रेंस सब कुछ कर रही है, तो बड़ा उत्तर प्रदेश में एग्रेसिव दलित कार्ड खेला जा रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों के।